वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सारे रिलीजन इक्वल है, आप सब लोग प्यार से रहिए, सोसाइटी में अच्छा पॉजिटिव मैसेज कन्वे करिए। फोन कर ठीक है। हिटफिर अलाउद के न्यू व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज है गुरु नानक जयंती, गुरु पर्व, और आप सबको मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। आई होप आप लोग अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ होंगे। आज हॉलीडे भी है और सब हम लोग अभी जस्ट गुरुद्वारे से मत्था टेक के आ रहे हैं, प्रसाद खा के आ रहे हैं, और मैं यही मैसेज कन्वे करूंगी कि पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, सबके प्रति स्नेह और प्यार और आदर की भावना से अपनी नजरें रखें, और अपने हर आने वाले फेस्टिवल को भी अपनी फैमिली के साथ जरूर एंजॉय करें। कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम लोग डेफिनेटली युग को हर जगह लेके जाते हैं, चाहे युग ने भी काफी मस्ती करी, और प्रसाद में हमने बढ़िया अदरक की चाय, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, नवंबर चल रहा है, तो साथ में बूंदी का प्रसाद था, हलवा था और पतासे थे, और साथ में हमें खूब सारे बहुत वेजिटेबल्स के अच्छे पकौड़े थे। तो अच्छे से हर फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहिए, और हर एक की इम्पोर्टेंस का हमें पता होना चाहिए, स्पेशली हमारे अपकमिंग जनरेशन को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी रूट से ब्रेक होते जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें उन्हें जोड़े रखने के लिए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने बच्चों को हर तरह के इवेंट के साथ इंट्रोड्यूस कराए, उन्हें हर त्यौहार की इम्पोर्टेंस है, हर रिलीजन की इम्पोर्टेंस, और उनके माइंड में हमेशा एक ही बात डालें कि एवरी रिलीजन इज इक्वालिटी। और अभी 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे से अपने जो थीम दी है चिल्ड्रंस डे के लिए, उसका भी मीनिंग है इक्वालिटी एंड इंक्लूजन ऑफ एवरी चाइल्ड।
सारे बच्चों को एक दर्जा दिया जाए, इवन जो स्पेशल चाइल्ड है जो कि थोड़े बहुत डिसेबल हैं उनको भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लेवल पे ला के इक्वल स्कूल में ही उसी स्कूल में टीच करें जहाँ पे और बच्चे भी होते हैं। ज़्यादा जिनको फिजिकली डिसेबल हैं तो उनके इंस्टीट्यूशन अलग होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत माइनर सी दिक्कत है, थोड़ा स्लो लर्नर, उसको हमें इक्वली इंक्लूड करना चाहिए। तो यही हम अपनी टीचिंग में भी हम इसे इंक्लूड करेंगे, और इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग ही ये होता है कि आप सबको इंक्लूड करें। तो वहाँ से ही जब हम अपने बच्चों स्टार्टिंग से एक चाइल्ड क्या एक सीड होता है जो आगे जाके एक पेड़ की तरह उसमें स्टेज बाय स्टेज वो चीज़ों को सीखता जाता है, सोसाइटी से गैदर करता है और आगे जाके एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। तो उसके लिए हमें उनके माइंड में स्टार्टिंग से ये बातें ज़रूर डालनी चाहिए कि बेटा हर रिलीजन इक्वल है, आपको पता होना चाहिए कि गुरुपूर्व क्या है, ईद क्या है, कोई भी मंदिर का ओकेजन है, सब कुछ रामनवमी क्या है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ भी पूरा ही अक्टूबर नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि दिवाली साथ कई सारे फेस्टिवल साथ साथ आते हैं, और अभी चिल्ड्रंस डे आएगा, फिर दिसंबर में क्रिसमस है। तो हर रिलीजन के बारे में हम लोगों को तो पता है ही, लेकिन हमें अपनी अपकमिंग जनरेशन को डेफिनेटली अपने व्यूज़ और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो शेयर करनी चाहिए। आई होप आप लोगों का गुरु नानक अच्छे से व्यतीत हुआ होगा, सभी गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक के आएंगे। तो किसका पेड़? कोकोनट। कैक्टस या कोकोनट? आप चलो तो एक बार चलते। किस चीज का पेड़ दिखाओगे तो बता दे, किसका नाम तो बताओ। पता नहीं क्या कह रहे। कैक्टस कैक्टस या कोकोनट किसका? मैं भी देखिए। पाइनएप्पल। हाँ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल ना? पाइनएप्पल नहीं, पाइनएप्पल का तो यहाँ पे है ही नहीं। चलो एक बार। पपाया है, ये तो पपाया है। पपाया का ये सामने पपाया तो है, चलते चलते मैं अपने व्लॉग के एंड करती हूँ, और यही बोलती हूँ कि वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। सारे रिलीजन इक्वल है, आप सब लोग प्यार से रहिए, सोसाइटी में अच्छा पॉजिटिव मैसेज कन्वे करिए, और जिन्होंने भी हिट पिट अलार्म को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलते हैं। देखा हाथ में क्या देखा? वाह, नजदीक आके देखा।